नमो नमः। सुप्रभातम् विद्यार्थियों, पूर्व कक्षा में मेघदूत के पूर्वार्थ के अंतर्गत 35वें पद्य तक हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आगे 36वें श्लोक से हम आज प्रारंभ करेंगे। प्रसंग यह है कि यक्ष मेघ को संबोधन करते हुए कहता है कि मित्र, तुम उज्जैनी के जो महाकालेश्वर है, वहाँ उस जो पवित्र स्थान है उसका सानिध्य जरूर प्राप्त करना, और वहाँ शंकर भगवान जो महाकालेश्वर है तो उनकी सेवा में कुछ समय व्यतीत भी करना, और साथ साथ वहाँ महाकालेश्वर के मंदिर में जो नृत्यांगनाएं नृत्य करती हैं तो उनकी जो नृत्य के कारण जो कुछ क्लांति है, जो कुछ विश्रांति है, जो कुछ उन्हें थकावट हो रही हो तो उस थकावट को जरूर दूर करके उनके भी धन्यवाद का पात्र तुम जरूर बनना। और उसके पश्चात जिस प्रकार का वर्णन महाकवि कालिदास ने यक्ष के मुख से किया है वह ये 36वां पद्य है। देखिए, पश्चादुच्चैर्भुजतरुवनं मण्डलेनाभिलीनः सांध्यं तेजः प्रतिनवजवा पुष्परक्तं दधानः नृत्यारम्भे हरपशुपते राद्रनागाजिनेच्छं शान्तोद्वेग स्तिमितनयनं दृष्टभक्तिर्भवान्या। छंद वही है, मंदाक्रंता संधि विच्छेद। पश्चात धन उच्चैः धन भुज तरुवनम बराबर पश्चादुच्चैः भुज तरुवनम मंडलेन धन अभिलीनः मंडलेनाभिलीनः पशुपतेः धन आर्द्रनागजिनेच्छं बराबर पशुपतेरार्द्रनागजिनेच्छं दृष्टभक्तिः धन भवान्या बराबर दृष्टभक्तिर्भवान्या अन्नयः। पश्चात नृत्यारम्भे प्रतिनभजवा पुष्पारक्तम् सांध्यं तेजः दधानः उच्चैः भुजतरुवनं मण्डलेन अभिलीनः भवान्याः शान्तोद्वेगस्तिमितनयनं दृष्टभक्तिः पशुपतेः आर्द्रनागाजिनेच्छं हर। यक्ष कह रहा है बादल से, हे बादल, हे मेरे मित्र, हे मेरे दोस्त, पश्चात बाद में उसके बाद किसके बाद ना सायंकालिक व सायंकालीन जो पूजन है महाकालेश्वर का, जो सायंकालीन पूजन है, संध्या वंदन है, उस संध्या वंदन कार्य में तुम शामिल होने के पश्चात व उस संध्या कार्य में तुम सेवक के रूप में अपने सेवा व एक सेवक का जो धर्म है, सेवा का कार्य, उसको निर्वहन करने के पश्चात नृत्यारम्भे नृत्यस्य आरम्भः नृत्यारम्भः तस्मिन् नृत्यारम्भे नृत्य तांडव नृत्य शंकर भगवान जब अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं तब तांडव नृत्य करते हैं, या अत्यधिक कुपित हो जाते हैं, क्रुद्ध हो जाते हैं तो उस समय भी तांडव नृत्य करते हैं। दोनों अवस्था में उनका नृत्य होता है। बोले उस नृत्य के प्रारंभ में तांडव उपक्रम
के समय शंकर भगवान के जो नृत्य के प्रारंभ में प्रतिनव जवा पुष्प रक्तम सांध्यम तेज ददान, तुम नूतन जवा पुष्प जो लाल रंग का पुष्प होता है, फूल होता है, उसके समान रक्तवर्ण जो जिसका है, उसके रक्तवर्ण जैसा रक्तवर्ण जिसका है, ऐसे लालिमा को धारण करने वाला सांध्यम तेज, संध्याकालीन जो तेज, संध्याकालीन जो प्रकाश है, तो उस प्रकाश को दधान धारण करता हुआ व धारण करते हुए तुम दधान धृधातु से शत्रु प्रत्यय हुआ है, दधान धारण करते हुए, नहीं शत्रु पत्ते नहीं सॉरी सानच पत्ते, दधान धारण करता हुआ किसके वर्ण को, न संध्याकालीन जो तेज है ओज को प्रकाश को धारण करते, जो कि नवीन नूतन विकसित जपा कुसुम के रंग को धारण कर लेता है, जो संध्याकालीन तेज, उस संध्याकालीन तेज को तुम धारण करते हुए, जो संध्याकालीन तेज नूतन खिले हुए जवा पुष्प के रंग के समान रंग जिसका है, ऐसे संध्याकालीन तेज को धारण करते हुए तुम उच्चैः उन्नत यव्यः किं सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विवेक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदभ्ये, जो सभी वचनों में सभी व्यक्तियों सभी विभक्तियों में सभी लिंगों में किसी भी प्रकार परिवर्तित रूप को धारण नहीं करता वा परिवर्तित नहीं होता है, उसको अव्यय कहते हैं, न अव्यय अव्यय, तो उच्च ही ऊंचा व उन्नत भुज तरुवनम भुजारूपी वृक्ष के वन को जंगल को, ये भुजाओं शंकर भगवान के जो भुजा है भुजारूपी वृक्ष के जंगल को मंडलेन अभिलीन, मंडलेन मंडलाकार से अभिलीन नाम व्याप्त होकर, भवान्या भवानी शब्द भवश्य स्त्री भवानी माँ दुर्गा माँ पार्वती उनके द्वारा, भवानी तृतीयवती एक वचन, भवान्या पार्वती के द्वारा शांतोद्वेग स्तिमित नयनम, शांतोद्वेग शांतोद्वेगस्तिमिते नयने यस्य तत् शांतोद्वेगस्तिमित नयनम, जिनका भय दूर हो गया हो और उसके कारण जो कि शांत धीर स्थिर रूप से जो देख रहे हैं, जिस प्रकार माँ पार्वती देखेगी उसी प्रकार यथा सत तथा जिस प्रकार वैसे ही होकर, दृष्ट भक्ति ही दृष्टा भक्ति ही यस्य सह दृष्ट भक्ति, जिसकी भक्ति दिखाई दी गई हो पाप प्रकटित भक्ति वाले होकर व अपने भक्तिभाव को दिखाने वाले, ऐसे तुम किसके प्रति भक्तिभाव, शिव और पार्वती के प्रति भक्तिभाव को दिखाने वाले तुम पशुपते ही शंकर भगवान के, पशु नाम पति ही पशुपति ही तस्य पशुपते ही नाम शंकर भगवान के आर्द्र नाग अजिने चम, आर्द्र माने गिले हुए, नाग माने हाथी की, अजिन माने चर्म की जो इच्छा, हाथी की गिले चर्म को धारण करने की जो इच्छा, उसी इच्छा को हर दूर कर लो, अर्थात शंकर भगवान गिले हाथी के चर्म को वस्त्र के रूप में धारण करते हैं, और तुम गिले हो पानी हो और काले रंग के ऐसे रंग को धारण करोगे संध्याकालीन तेज, जिससे कि तुम बिल्कुल वही गिले हाथी के चर्म चमड़े के चर्म की तरह तुम्हारा स्वरूप बन जाएगा, जिससे वही बादल से तुम व्याप्त हो जाने से उनको उनकी जो वस्त्र धारण करने का जो आर्द्रनाग अजिन है, अर्थात गीले हाथी की चर्म को धारण करने वाले जो करने वाले की जो भावना है, उनकी जो इच्छा है, उनकी कामना है, वो भी पूर्ति हो जाएगी। इस प्रकार तुम शंकर भगवान के वहाँ उनकी भी सेवा में इस प्रकार तल्लीन हो जाना है, उसमें अपने आप को शामिल कर लेना। तो यहाँ अलंकार जो भुज तरुवनम
भुजा रूपी तरुवन, ये जो कहा भुजाओं को, भुजाओं में रूपक का आरोप किया गया है, इसे रूपक अलंकार है, इसका तरुवन का आरोपित किया गया है, इसे रूपक अलंकार है। और प्रतिनव जब आपस परक्तम, यहाँ उपमानवाची सामान्य शब्द इवादि का लोप होने के कारण लुप्तोपमा अलंकार है। और आगे जाकर जो कि सांध्य तेज और मेघ के धारण करने में जो असंभव वस्तु का संबंध परिकल्पन किया गया है, अवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक न्याय, इस लक्षण के अनुसार बिंब प्रतिबिंब भाव होकर के या निदर्शन अलंकार भी है। इस प्रकार इतने सारे तीनों की संसृष्टि होने से शंकर नामक अलंकार लक्षित हो रहा है। रूपक और लुप्तोपमा पुनः निदर्शना तीनों अलंकार के सहभाव से यह शंकर अलंकार है। तत्प्रस्तुत पद्य में कवि का, महाकवि कालिदास का यह आशय है कि शंकर भगवान आर्द्र हाथी, जो गीले हाथी के चमड़े को धारण करने के बड़े ललायित होते हैं, और बड़ा प्राकृतिक चेतना, जो पर्यावरण चेतना है, यहाँ अत्यंत रमणीय है कि यहाँ प्रकृति और जो जीव, जो मानवीय चेतना कहे या दैव चेतना कहे, वो सभी प्राकृतिक चेतना, उनमें एक अंतर संबंध स्थापित कर दिया है। यह भुजाओं को वृक्ष बना दिया, और फिर बादल को जो कि वहाँ वस्त्र के रूप में वहाँ धारण कर लिया, कल्पना कर ली कि वहाँ उस भाव को भी धारण कर सकते हैं। कभी की कल्पना अद्भुत कल्पना है। और साथ ही ये कहना चाहते हैं कि शंकर भगवान की सेवा में तुम अगर लीन होगे, तुम अपने आप को सौभाग्यशाली समझोगे। इसमें ये संदेश है कि सभी को शंकर की स्तुति करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। शंकर आशुतोष है, साथ ही उनका शिव के प्रति जो भावना है, जो भक्ति है, वो भी प्रदर्शित हो रही है। ऐसे भी वो शैव है, हर जगह अपने काव्य नाटकों में प्रारंभ में, मध्य में, अंत में उन्होंने शिव का वर्णन किया है, और शिव शिवालय, शिव स्थान का भी वर्णन किया है। इस प्रकार महाकालेश्वर की जो प्रसिद्धि, उसका वर्णन किया है कि तांडव नृत्य शंकर भगवान जब करते हैं तो वहाँ तुम जाकर उनके जाकर उनको गीले हाथी के चमड़े को धारण करना, धारण करने की जो इच्छा है, उस इच्छा को तुम जरूर पूर्ति कर लेना। ये कवि की कल्पना है। आगे बढ़े 37वें पद्य में क्या कहना चाहते हैं महाकवि कालिदास, आइए हम उसको देखते हैं। गच्छन्ति नाम रमण वसती योषितं तत्र नक्तं रुद्धालोके नरपतिपते शुचिभेद्यैस्तनोभिः सोदामिन्या कनकनिकषा स्निग्धया दर्शयोर्मीं तयोत्सर्गस्तनितं करो मास्मभूर्विक्लवास्ताः। संधिविच्छेद। शुचिभेद्यैः दन्तमोभिः शुचिभेद्यैस्तमोभिः दर्शय धनुर्भिम दर्शयोर्भिम भू धन विक्लवा दंता भूर्विक्लवास्ता भू धन विक्लवा दंता भूर्विक्लवास्ता। अन्वय। तत्र नक्तम रमण वसितिम गच्छन्तीनां योषितां शुचिभेद्यैः तमोभिः रुद्धालोके नरपतिपते कनकनिकषा स्निग्धया सोदामिन्या उर्वीं दर्शय त्वयोत्सर्गस्तनितमुखर मास्मभू यतः ताः विक्लवाः भवन्ति ताः भीरुकाः भवन्ति। बोले तत्र महा महाका तत्र उज्जैन्याम उस उज्जैनी नगरी में, उस शी विशाला विशाला नगरी में नक्तम रात्रि के समय, नक्तम मीन्स रात्रौ, निशायां वा रात्रि के समय रमण वसतिम रमणस्य वसति ही रमण वसति ताम रमण वसतिम रमणला
जिनके साथ रमण किया जाना, जो प्रियतम है, जो गुप्त प्रेमी है, तो उनके बसती, उनके निवास स्थान को गच्छन्ति नाम जाती हुई गम धातु से सत्रुपत्य होकर के स्त्रीलिंग में षष्ठी बहुवचन गच्छन्ति नाम, वहाँ रमण बसती अपने प्रियतमों के निवास स्थान को जाने वाली बाजाती हुई अवस्था में जो हैं, ऐसी योषिताम स्त्रियों का, युवतियों का, तरुणियों का सूची भेद्यही तमो भी ही। सूची भेद्य ये कभी प्रसिद्धि है, अत्यंत निविड़ सूची के द्वारा, सुई के द्वारा जो भेद्य भेदन योग्य है, बाकी और किसी के द्वारा नहीं, अत्यंत निविड़। तमो भी अंधकारों से, माने कृष्ण पक्ष के रात्रि में ही, जो कि गुप्त प्रेमिकाएं गुप्त प्रेमियों के साथ मिलने के लिए भ्रमण करने के लिए जाती हैं, क्योंकि अंधेरे में लोग बाग उन्हें देख नहीं पाएंगे। तो रुद्धालोके रुद्ध आलोक यस्य सह रुद्धालोक तस्मिन रुद्धालोके, जहाँ का आलोक, जहाँ का प्रकाश रुद्ध हो गया हो निविड़ अंधकार के कारण, ऐसे नरपति पति, नरपति अर्थात राजपथ, नरपति पथ राजपथ जो मुख्य मार्ग है, उस मुख्य मार्ग में कनक निकस स्निग्धया, कनक निकस सोने को परखने के जो पत्थर होता उसके समान स्निग्ध चिकनी बाज अत्यंत चमकीले सोदामिन्या, जो बिजली के द्वारा उर्बीम दर्शया, उर्बी अला धरती को दिखा देना, उनके दिखाई नहीं दे रहा होगा मार्ग, कहीं वो है गिर नहीं जाए, कहीं ठुक्कर नहीं लग जाए, ठुक्कर लगने से बच जाए, तो इस प्रकार उनको थोड़ा थोड़ा मार्ग का क्या अवलोकन करवा देना, उनको सही रास्ते पर चल जाए, कहीं गड्ढे में, कहीं ऊंचाई पर, कहीं उन्नत अवनत यज्ञ स्थान पर ठुक्कर नहीं लग जाए, इस प्रकार तुम प्रयास करना और उन्हें सही साथ अपने रमण वसति की ओर पहुंचाने के लिए मदद जरूर करना। किंतु त्वयोत्सर्ग स्तिमित मुखरः, त्वयानाम उत्सर्ग त्वयोत्सर्ग तेन स्तनित मुखरः, पानी को परसने के कारण, बरसात के कारण गर्जना के मुखरित, गर्जना से गर्जन तर्जन करके मुखरित होकर मास्म भू मत बनना, वह गर्जित गर्जना तर्जना मत करना, भाई पानी बरस के, तेज पानी बरसा के और आवाज बहुत तेज तेज मत निकालना, क्यों, ऐसे तहा विक्लवाह, वे जो रमणी रमणीया वो जो युवतियाँ वे विक्लवाह भय भयभीता शिव, वो भयभीत हो जाएंगे, डर जाएंगी, उनको डर नहीं हो तो उस प्रकार तुम काम करना। क्या कहना चाहते हैं महाकवि कालिदास, आप देखिए इसमें कई बातें, पहली बात है कि रमण वसतिम गच्छन्ती नाम योषिताम कहने का आशय है कि उस तत्कालीन सामाजिक जो दशा है, अवस्था इस प्रकार थी कि पुरुष जो है प्रेमी काम कामी पुरुष जो है गुप्त प्रेमी, वो स्त्रियों के वहाँ नहीं जाती थी, स्त्रियाँ व युवतियाँ कामनाएँ अंगनाएँ तो उनके घर जाती थी, तत्कालीन सामाजिक स्थिति इस प्रकार की थी। और साथ ही तत्कालीन सामाजिक दशा का एक एक समुदिष्ट एक समुचित चित्र उन्होंने बनाया है कि उस समय उद्दाम यौवन की स्थिति अवस्था उज्जैनी में थी, व उज्जैनी यौवनावस्था से उन्मत्त था, ये बात है थी उज्जैनी नगरी। और फिर दूसरी बात है कि यहाँ इस प्रकार वर्णन करके महाकवि कालिदास जो कह रहे हैं कि उनके मार्ग को तुम अवरुद्ध मत करना, कहने के बाद इस काम के प्रति प्रेरित करना उनको, क्योंकि वह अगर नहीं जाएगी फिर समाज में जो है अनेक कुरुत को विसंगतियाँ पैदा हो जाएगी कि जो इस प्रकार कार्य में जो लिप्त अगर ये नहीं होगी ये युवतियाँ तो समाज की जो व्यवस्था है उसमें गड़बड़ाई जाएगी, कैसी ना, जो अच्छे घर के सुसंस्कारित घर के जो वधु है बहु हैं तो उनके उनकी जो लज्जा व उनकी जो प्रतिष्ठा उनकी जो अस्मिता को बचाव में कहीं ना कहीं कमी आएगी, क्योंकि वो
जो युवक है वहाँ उसके प्रति वो परिवर्तित हो जाते हैं, वो परिवर्तित नहीं कर उसमें उसमें फिर लीन हो जाएंगे, जिससे कि विसंगति होगी। उस विसंगति को रोकने के लिए कहीं ना कहीं एक प्रकार का उपाय है। और साथ ही महाकवि कालिदास का जिस समय आविर्भाव हुआ था, अब कहा था गृहस्थ धर्म के प्रति प्रेरित करने वाली बात है, उन कहीं ना कहीं उसकी ओर भी इंगित है किस प्रकार कामनाएँ वासनाएँ चरितार्थ होनी चाहिए, जिससे कि एक सकारात्मक चिंतन होकर के गृहस्थ धर्म को आगे बढ़ाने में कार्य करेंगे। विद्यार्थियों, आज यहीं हम विराम लेते हैं, कल पुनः आगे अध्ययन जारी रखेंगे। धन्यवाद।